नमस्ते, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं NSTC स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को एमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ अभी तक के हमारे सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप फाउंडर हैं श्री यशवर्धन बुराज जी, जो भारतवर्ष में टेक जॉब्स के लिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट को जॉब लगने के बाद पे करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यश IIT दिल्ली के एल्यूमिनस हैं और लीडिंग स्किल टेक स्टार्टअप एक्यो जॉब्स के CEO हैं, जो कुछ समय पहले NSDC के पार्टनर भी बने हैं। अगर आप में कुछ कर जाने का जज्बा है तो एक्यो जॉब्स आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज का एक ऐसा डेमोक्रेटाइज प्लेटफॉर्म देता है, जहां सोशियो इकोनॉमिक और प्रायर एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई बैरियर नहीं है। यश जी की डायनामिक लीडरशिप में इतने कैंडिडेट्स ने अपने ड्रीम जॉब्स को क्रैक किया है और आज लीडिंग टेक कंपनीज में प्लेस्ड हैं। यश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्किल पॉड के एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ऑनर टू बी हियर। तो सबसे पहले यश, हम आपसे एक्यो जॉब्स की जर्नी के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे और ये नाम कैसे आया। श्योर, बिल्कुल। आई थिंक एक्यो जॉब की जर्नी के साथ मेरी जर्नी बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह की रही है कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप था वडोदरा करके एक शहर है गुजरात में, जहाँ पे पूरा मैंने अपना स्कूलिंग किया था। जो कॉन्सिक्वेंस होता है अपने करियर के लिए वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए एवरीवन इज़ वेरी कंफ्यूज अबाउट इट। और मेरे साथ कुछ सिमिलर हुआ था, लाइक आई वर्सेज जब मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता था, मेंटर करता था, तो मैं शायद सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को गाइड करता था कुछ महीनों में, कुछ इवेंट्स में हज़ारों स्टूडेंट्स को एक साथ भी एड्रेस करता था, लेकिन फिर भी मुझे अपने उस काम का इम्पैक्ट जो है कई गुना ज़्यादा फील हो पाता था, राइट? एंड स्पेशली व्हेन अ स्टूडेंट इज थैंकिंग यू एंड राइटिंग यू एन ईमेल आफ्टर 3 months आल्सो एंड टेकिंग फर्दर गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम यू, यू नो दैट ओके ही इज एक्चुअली सीइंग द हेल्प व्हिच आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड टॉकिंग अबाउट एक्यो जॉब्स जर्नी फर्दर फ्रॉम देयर, सो अगेन हम लोग को भी इस मार्केट में 4 साल हुए हैं एंड देयर हैव बीन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लर्निंग्स, क्या उसकी वो प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हो रही है, राइट? दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एंड जब हमने स्टार्ट किया था, वी बिल्ट आउट अ प्रोडक्ट टू एक्चुअली डेमोक्रेटाइज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, बी टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड स्लोली वी कुड रियलाइज कि यार सिर्फ अपॉर्चुनिटी गैप नहीं है, स्किल गैप है, ट्रेनिंग गैप है, एक्सेस टू राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप का ज़्यादा बड़ा गैप है। तभी जो टैलेंटेड फोक्स कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एनी स्ट्रैटा को अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। अगर आप उनको जाके एक गूगल का इंटरव्यू भी दिलवा दोगे, दे कैन नॉट क्लियर इट बिकॉज दे हैव नेवर गॉट द राइट गाइडेंस एंड हेल्प टू प्रिपेयर फॉर इट, राइट? एंड दैट वॉज दैट इज हाउ वी realized that we need to create something which is at par with what a tier 1 college student is getting. And iske piche agar ek insight main students se bhi share karna chahunga, I'm sure kafi log sunte honge young passionate folks is podcast ko, to agar aap realize karoge hamari ek bahut badi insight humne unlock ki thi, wo ye thi ki ek tier 1 college ka bachcha jo hai ya student jo hai, वो एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों क्रैक कर पा रहा है वर्सेस अ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट, उसका रीजन उसके कॉलेज में या उसके डिग्री में पढ़ाए जाने वाला करिकुलम नहीं है, राइट? अब बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो मेरे साथ में IIT दिल्ली में भी थे, उनको कभी भी डेवलपमेंट स्किल्स नहीं सिखाई गई थी या ऐसा कोई कोर्स नहीं था उनका जिससे वो लोग जॉब्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, दैट वॉज नेवर देयर। How did they manage to do it for tier 1 college students? The good part is that they have the right guidance, resources, the environment and culture is present. जैसे हम थर्ड ईयर में आते हैं, हमारे सीनियर्स से हमें पता चल जाता है कि यार आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब चाहते हो तो आपको लीड कोड पे जाके ये हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने चाहिए, इस ऑर्डर में प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आप लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी वही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना रेज्यूमे पे फीडबैक लेना है किसी से, तो आप अपने सीनियर से कह सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट ईयर गूगल का इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यार अच्छा आपने आपके हिसाब से मेरे रेज्यूमे में क्या बेटर हो सकता है, व्हाट आर चेंजेस आई कैन मेक। सेम गोज फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट शुड आई वर्क ऑन, व्हाट हाउ शुड आई प्रेजेंट माई सेल्फ बेटर इन इंटरव्यूज, एवरी एस्पेक्ट पॉसिबल जो है वो सारा कुछ ही
एक्सेसिबल होता है फॉर द स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ टीयर वन कॉलेज, दैट उसके पास वो राइट रिसोर्सेज एंड गाइडेंस अवेलेबल होती है सिंपल, एंड द पीपल अराउंड देम आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल, सो दैट कल्चर एंड दैट एनवायरमेंट इज प्रेजेंट फॉर दैट स्टूडेंट. वर्सेस अ टीयर थ्री कॉलेज स्टूडेंट, इफ ही वॉन्ट्स टू गो थ्रू द एंटायर जर्नी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि अगर मान लो वो यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज डिस्कवर भी कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ. प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक कोर्स कराते हैं बेसिकली, वी टीच देम डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. हम इसको इसमें जावा, SQL, OOPS, HTML, CSS, JavaScript, React.js, Node.js, Spring, Spring Boot, ऐसी स्किल्स जो मार्केट में हाईली इन डिमांड है करंटली, उन पे फोकस करते हैं. और इस प्रोग्राम में हम लोग ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को फॉर द एनालिटिक्स इंडस्ट्री एंड जॉब रोल्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, सेल्स क्वालिटी एनालिस्ट. ऑल ऑफ दीज रोल्स इज व्हाट गेट्स कवर्ड इन द एनालिस्ट प्रोग्राम. उस प्रोग्राम का मेन गोल है टू टीच द स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड हाउ ही कैन यूज डेटा रिलेटेड टूल्स लाइक SQL, Excel, Python, Tableau और Power BI टू एक्चुअली गेट डेटा ड्रिवन इनसाइट्स फॉर द बिजनेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके, तो जनरली एवरेज सैलरी कितनी होती है और प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होता है? राइट, सो प्रोग्रामिंग कोर्स जो हमारा है, जैसा कि मैं कह रहा था, वो 10 टू 12 मंथ्स ड्यूरेशन का है. इसमें एवरेज सैलरी, फॉर्चुनेटली इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स इन फॉर फ्रेशर्स, वेयर फ्रेशर्स आर गेटिंग हायर्ड करंटली इन द मार्केट, दैट इज द IT सेक्टर. एंड उसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द लार्जेस्ट एरिया वेयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस. अगेन, देर आर अपॉर्चुनिटीज राइट फ्रॉम अ 3 LPA, 3 lakhs per annum CTC टू अप टू 40 lakhs per annum CTC. हमारे उस प्रोग्राम से 41 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा है आजकल के स्टूडेंट का इन अ लार्ज MNC. एवरेज पैकेज जो लगता है वो 8.3 LPA है अभी तक, राइट? एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग विद जस्ट 5,000 स्टूडेंट्स एंड प्लेसिंग अराउंड 1500 स्टूडेंट्स इन अ ईयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ कॉमेंट कि कैसा होने वाला है. बट फॉर्चुनेटली वी हैव बीन एबल टू टॉक टू पीपल लाइक CTO एट Capgemini, decision makers of large IT companies. So, उनसे हमें जो समझ में आया है industry का movement कैसे हो रहा है, one is that Indian IT companies are still seeing growth. Maybe the growth has slowed down slightly and people have become more conservative ki it is, there's a lot of uncertainty ki 6 महीने बाद क्या होगा, 8 महीने बाद क्या होगा, and for that reason they are being a little more conservative with hiring. But they are still witnessing growth in terms of more projects being coming to India and larger IT companies in India as well, right? On the other hand, for our standpoint, we work with almost 300 companies now, so हमें वहाँ से भी काफी anecdotal experience मिलता है. तो हमने भी ये देखा है personally कि some companies have actually paused hiring for a couple of months. Some companies have cut down the volume ki instead of 500 people, we'll hire only 300 people right now in this quarter, right? So is tarah ke experiences kuch companies ke saath hai, but every other day we see a lot of other new companies also coming on board through our placement team, jo ki ab aur hiring karna chahte hain, right? So overall agar hum log dekh rahe hain industry mein, to hame ye realize ho raha hai ki hiring is still going on. It has probably slowed down very little and in the shorter term uska thoda sa impact 3 to 6 months mein dikhega, but every industry which we talk to, every sort of decision maker we are talking to is very very bullish of the longer term scenario ki 8 mahine 10 mahine 12 mahine baad to again this is something which we will need in high volume, and we are always on the lookout for skilled developers. And even right now with the industry slowing down and uncertainty, we will still hire if the skilled developers we are getting good skilled developers, right? So humne ye bhi notice kiya hai kuch companies ne apna hiring process thoda sa tougher kar liya hai, right? But they are still making sure ki agar skilled developer mil raha hai jisko genuinely ye skill set aati hai, right? Unke liye demand is never ending right now, and for the next foreseeable few years I don't think it is going to go down in any manner. और क्या ज्यादातर फ्रेशर्स होते हैं जो आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं या एक्सपीरियंस भी हैं? ऑफ कोर्स, सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर टिपिकली एनरोलिंग. वन इज
फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स जो अभी बस अपनी जॉब प्रिपरेशन फेज में जा रहे हैं और उनको जॉब अचीव करनी है जिसके लिए वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, दैट इज अराउंड 50% ऑफ आर ऑडियंस और स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं. बाकी 50% में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं बट दे स्टिल आर अनएम्प्लॉयड और डोंट हैव अ जॉब इन देयर हैंड्स, राइट? सो दे वर मे बी प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम बट नाउ वांट टू लुक एट द आईटी सेक्टर, या फिर वो अपने अपने कॉलेज कैंपस से कोई प्लेसमेंट अचीव नहीं कर पाए एंड देन दे हैव बीन अप्लाइंग फॉर अ फ्यू मंथ्स बट नाउ दे रियलाइज दे वांट टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड देन गेट इन द इंडस्ट्री. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इन देयर करियर्स, दे हैव स्पेंट अराउंड 0 to 2 years एक्सपीरियंस है उनको और वो लोग अभी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में बट दे रियलाइज द नीड फॉर देमसेल्व्स टू अपस्किल एंड जेन्युइनली वांट टू मूव इनटू द आईटी सेक्टर. तो ये तीनों तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं. यश, हम आपसे ऑल्सो जानना चाहेंगे कि गेट हायर्ड पे लेटर मॉडल किस तरह से काम करता है, ये आइडिया कैसे आया और क्या इसके अलावा भी कोई और पेमेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं? सो बोथ पेमेंट मॉडल्स आर अवेलेबल फॉर अस, राइट? वी हैव लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में जो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, राइट? द बैकग्राउंड इन इंडिया इज अ पुअर कंट्री ओवरऑल, राइट? सो ऑल द स्टूडेंट्स डोंट हैव गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड समटाइम्स दे नीड सम फाइनेंशियल हेल्प टू एक्चुअली बी एबल टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट? वरना वो इतना ईजिली एक्सेसिबल ही नहीं है हर जगह. तो वो चाहते हैं कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए उन्हें, बट दे वुड actually they are very very deserving, they are ambitious, they are hardworking aur wo apna true potential achieve kar payenge agar unko wo right quality of education aur guidance mile. To isiliye hum logo ne wo dono models hai hamare paas in the program. So one is the pay later model where the student pays us the course fees after they get a job, and one is a normal program where the student can pay in monthly installments from the beginning of the program and do the entire program with us. Again, hum log kis tarah se students ko enroll karte hain, so hamara selection criteria bahut hi simple hai actually. Wo aisa hai ki hum log pehle jab humne actually iske beech mein choti si story hai, I can tell it very quickly. कि हमने जब फर्स्ट कोहोर्ट स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, तो हमने सोचा था यार बच्चे को बेसिक कोडिंग स्किल्स तो आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आता हो तो आराम से हम उसको आगे ट्रेन करके अच्छी जॉब में लगा सकते हैं. तो फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड वी केप्ट इट लाइक कि बीटेक सीएसआईटी ईसी वाले बच्चे जो हैं जिनको बेसिक कोडिंग आती है उनको हम अच्छे से अपस्किल करके प्लेस कर सकते हैं. वी रियलाइज कि यार उन बच्चों को भी जो हम पहले 10-15 दिन पढ़ाते हैं उसके आगे का कुछ आता नहीं है, दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग लाइक दैट इन कॉलेज. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स वी जस्ट मूव टूवर्ड्स वन सिंगल फैक्टर जो हमें सिलेक्ट करने के लिए यूज करना है, जो कि है कि इज द स्टूडेंट हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड और नॉट. तो हम क्या करते हैं उसके बाद हमने अपना प्रोसेस चेंज कर लिया. हम पहले 15 दिन फ्री में लाइव क्लासेस करवाते हैं स्टूडेंट के साथ हर महीने, एंड इन फ्री लाइव क्लासेस के लिए हम स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि आप आइए, टेक दिस कम्प्लीट एक्सपीरियंस, आप फ्री लाइव क्लासेस से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, साथ में असाइनमेंट सॉल्व करिए, और जो हम आपको इन 15 दिन में सिखा रहे हैं अगर आप हार्डवर्किंग हो और डेडिकेटेड हो, आप कंसिस्टेंटली फोकस तरीके से 15 दिन हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसके बाद जो सिखाया गया है उस पर कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करके हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो इन द पे लेटर ऑप्शन ऑल्सो और इन द अपफ्रंट पेमेंट ऑप्शन ऑल्सो, व्हिचएवर वन यू आर मोर कंफर्टेबल विद. एंड द ओनली फिल्टर हियर इज दैट डजंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद कम पढ़ाई की और आपको 60% ही मार्क्स आए या नहीं आए, या आपने बीएससी पढ़ा है बीटेक नहीं पढ़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप इन 15 दिन में अपना हार्डवर्किंग एटीट्यूड और अपना सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखा सकते हो हमें, तो हमें वो कॉन्फिडेंस आता है कि यस आप प्रोग्राम में हमारे साथ मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेज इन द प्रोग्राम. हमारा बस एक ऑनलाइन कोर्स नहीं है कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज हैं सब लोग आ लेंगे पढ़ लेंगे और चले जाएंगे. बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम है जिसमें हम हर तरीके से स्टूडेंट पे फोकस करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस, अ लॉट ऑफ वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस, मॉक इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रेज्यूमे बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट के लिए. तो बहुत सारे एंगल से हम लोग स्टूडेंट पे वर्क करते हैं, वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इट. सो वी जस्ट वॉन्ट टू कीप अ फिल्टर की हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बस हार्डवर्किंग हो और जेन्युइनली मेहनत करने के और सीखने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो. यहाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है.
नॉट रियली. इनफैक्ट कुछ कंपनीज अभी भी फॉर्चुनेटली हम लोग आईटी हायरिंग मार्केट में ही देख रहे हैं कि द ट्रेंड इज इम्प्रूविंग वेरी फास्ट. लाइक मोर एंड मोर कंपनीज आर नाउ लेस बॉदर्ड अबाउट पास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेव इंडस्ट्री में बहुत ईजी है कि वो आपकी स्किल्स को जज कर सकते हैं. वो आपको एक कोडिंग टेस्ट दे देंगे, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट दे देंगे, आपको इंटरव्यू में कोड पूछ लेंगे और उससे वो इवेल्युएट कर सकते हैं. आप चाहे बी कॉम से हो भी हो, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स है, आई कैन इवेल्युएट यू फॉर इट. Right. So these companies are slowly getting away with all these eligibility criteria. Again, अभी भी ऐसा नहीं है market में ये eligibility criteria पूरी तरह हट गई है. If a BTech student is getting 100 opportunities जहाँ पे वो eligible है, probably a BSc student will get only 70 out of 10, right? जहाँ पे वो eligible होंगे, थोड़े कम है. But still, the opportunity volume is so high कि किसी भी background का बच्चा हो, वो अगर आके मेहनत करके genuinely अपने skills पे काम कर सकता है, they can easily clear some opportunity out of these 70 opportunities also, just an example, right? So, और बाकी sectors में इतना अच्छा growth opportunity या job opportunities exist नहीं करता है. That is why the IT sector and the industry becomes very lucrative for other background students also to come. Interesting. तो जैसा आप बता रहे हैं कि काफी इंटेंस स्केड्यूल होता है, तो इसमें क्या कंप्लीट अटेंशन स्पैन मिल पाना चैलेंजिंग नहीं होता स्टूडेंट का, या यहाँ पे आपने कोई इनोवेशन किया है? बिल्कुल, आई थिंक हमारा हमने स्टार्टिंग से सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रखा था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हाईली एंगेजिंग होना जरूरी है, ताकि बच्चा सही में जो हम सिखा रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और वो सीख के इंकल्केट करके आगे बढ़ रहा है प्रोग्राम में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमने उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया है, इज अ 3 टच पॉइंट सिस्टम आई वुड से. तो हम लोग हर स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल मेंटर एंड बैच मैनेजर होता है जो उनसे हर हफ्ते फॉलोअप करता है, उनको अकाउंटेबल होल्ड करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके फीडबैक लेता है, उनको टाइम मैनेजमेंट शेड्यूलिंग में हेल्प करता है, उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं जो वो फेस कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करवाने के लिए उनको मेंटर्स के साथ कनेक्ट करके उनको गाइड करवाता है. आईआईटी से पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी पर सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दैट इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी वेरी एंगेजिंग फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि रोज उनको वहाँ पे आके गेमिफाइड लीडर लीडरबोर्ड दिखता है, उनको पॉइंट्स मिलते हैं, उनके जॉब सिंसियरिटी स्कोर्स होते हैं, उनको रोज प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं कि वो लोग को नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए. उनके हर मॉड्यूल के एंड तक उनको टारगेट्स होते हैं जिसके लिए वो खुद को पुश करते हैं, अपनी स्ट्रीक बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग कि डेली आके हम कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाएंगे. वो खुद भी अपने आप को लिंक्डइन पे अपने अचीवमेंट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म पोस्ट करते हैं टू होल्ड देमसेल्फ पब्लिकली अकाउंटेबल, राइट? तो ये सारी चीजें भी जो स्टूडेंट के साथ होती है ना थ्रू द प्रोग्राम, हम लोग उसमें इंकल्केट करते हैं. दिस आइडिया ऑफ डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड एफर्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन हेल्प यू लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो जब स्टूडेंट निकलता है प्रोग्राम से, उसने सिर्फ ये स्किल्स नहीं गेन किए, उसने एक एटीट्यूड भी गेन किया है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी चैलेंजिंग होगा मेरे सामने और मुझे सीखना है, ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू पुट फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर अ गुड स्पैन ऑफ टाइम एंड आई विल बी एबल टू डू इट, राइट? तो वो ये चीज गेन कर लेता है, डिसिप्लिन गेन कर लेता है, एबिलिटी टू वर्क हार्ड गेन कर लेता है. Wonderful. And I think वो पूरा holistic learning बहुत important है. तो technical, soft skills and hard skills and then to this customized attention, I think this is really commendable. Right. तो आपने जैसे बताया कि full time program है, तो क्या part time के options भी available हैं और कुछ duration में क्या change होता है इसकी वजह से? बिल्कुल. So this is a part time. All our programs are part time programs. मतलब part time कहूँगा कि in the I'll be very straightforward there कि हमारे जो program है हमारा beginner program. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए, उसमें भी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू पुट अराउंड 5 hours अ डे, जिसमें से अराउंड 2.5-3 hours ऑफ लाइव लेक्चर्स होते हैं उनके एंड अनदर 2.5-3 hours ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस, राइट? एंड इन द इंटरमीडिएट प्रोग्राम इट इज स्लाइटली मोर फास्टर पेस, जिसमें हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अराउंड 8 hours ऑफ एफर्ट पर डे लगाएं, राइट? एंड वी डू हैव सम वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो जो हमारा ये प्रोग्राम लेते हैं और वो लोग 5 hours अ डे मैनेज करते हैं, राइट? सो दिस इज इट्स अ मोर रिगरस प्रोग्राम फॉर श्योर एंड इवन इफ वर्किंग प्रोफेशनल्स आर जॉइनिंग इन दे आर पुलिंग अप देयर सॉक्स एंड पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर श्योर. और लाइफ में मतलब कुछ मैजिकली हमें अपना करियर ट्रैक चेंज करना है, हमें कुछ बड़ा करना है, तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है एंड आई थिंक आई एक्सेप्ट दैट. बट आर डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम इज इवन मोर वर्किंग प्रोफेशनल फ्रेंडली, तो उसमें हम लोग अक्रॉस द वीक उनसे 15-16 आवर्स का एफर्ट एक्सपेक्ट करते हैं. तो वो ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ओवर द वीकेंड
लाइव लेक्चर्स आर प्लान्ड ओवर द वीकेंड ताकि वो लोग के लिए ज्यादा फ्रेंडली हो पाए वो एंड दोज आर द टू प्रोग्राम्स एंड हाउ टाइम इज रिक्वायर्ड और कोई एज बैरियर भी होता है अप्लाई करने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं दिस इज लाइक स्किल्स आर देयर अप फॉर लर्निंग सो देयर इज नो एज बैरियर टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम वी डू पुट अ एज बैरियर इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग देम अ गारंटीड जॉब फ्रॉम आवर एंड व्हिच इज अप टू द एज ऑफ 28 सो एंड दिस इज आल्सो आई विश पर्सनली कि मैं ये सारे एलिजिबिलिटी सारी कंडीशन हमेशा के लिए हटा सकूं बट आई एम जस्ट कीपिंग इट मोर रियलिस्टिक कि इंडस्ट्री जब तक मुझे ये नहीं कहती कि हाँ यार कोई बैरियर की जरूरत नहीं है आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिमूव एवरीथिंग और जैसे कि आपने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल बैकग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा कोई बैरियर नहीं है विच इज क्वाइट कमेंडेबल हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि क्या कोई टेस्ट इन्वॉल्व है और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल आई थिंक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोग हर महीने 15 दिन प्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं अच्छा एनी स्टूडेंट कैन साइन अप ऑन आवर वेबसाइट activejobs.com एंड अटेंड दी प्री लाइव क्लासेस सॉल्व असाइनमेंट्स वो पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा कि रोज लेक्चर में आपको बस सिखाया जाएगा आपको कौन से असाइनमेंट्स करने हैं उसकी डाउट सॉल्विंग भी होगी आपको रिजॉल्व किए जाएंगे हमारी कम्युनिटी भी है जहाँ पे हमारे मेंटर्स आपको हेल्प गाइड करेंगे हेल्प करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दोस 15 डेज आप जो भी आपको सिखाया जा रहा है और वो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा प्रैक्टिस मिल जाएगा जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ओके एम आई वेरी इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट एज अ करियर पाथ राइट एंड उसके बेसिस पे आप एक कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यू देते हो जो आपको सिखाया गया है तो आपको अलग से कुछ सीखने की जरूरत या कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है आप आइए हमारे साथ सीखिए लर्न करिए बेसिक्स और उसके बेसिस पे ही एक टेस्ट और इंटरव्यू दीजिए तो जैसे आपने इतना हमें डिटेल में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो कुछ इम्पैक्ट स्टोरीज भी आपसे सुनना चाहेंगे स्टूडेंट्स जिनकी जर्नी को एक्यो जॉब्स ने ट्रांसफॉर्म किया हो जिससे हमारे लिसनर्स को भी प्रेरणा मिलेगी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक हमारे पास अब फॉर्चुनेटली मी बीइंग द फाउंडर एंड सीईओ राइट तो क्रेडिट बहुत सारा मुझे मिल जाता है बट इट्स ऑल माय टीम्स क्रेडिट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड हमने अब हजारों बच्चे प्लेस करा दिए हैं ऑलरेडी राइट लास्ट ईयर वी हैड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स प्लेस जस्ट इन द लास्ट वन ईयर तो हमारे पास कई सारी ऐसी स्टोरीज रही हैं क्योंकि कई सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं वी हैव हैड समवन वर्किंग ऑन अर्बन कंपनी पार्ट टाइम एज अ कारपेंटर ट्रांजिशनिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपर वी हैव हैड अ स्टूडेंट जो साउथ इंडिया के एक विलेज से थे उन्होंने जैसे जैसे अपनी इंजीनियरिंग की उनको एक कुछ प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया था ऑफ अ वेरी स्मॉल सैलरी रेंज बट उनका वो ऑफर रिवोक हो गया था कोविड के टाइम पे फिर उन्होंने हमारे साथ ट्रेन किया उसके बाद उन्होंने 13 लाख की जॉब निकाली डायरेक्टली और फिर उन्होंने एक महीने बाद हमें फोटो भेजा कि हमने एक स्कूटी खरीद लिया है अपने विलेज में पहला एंड देन देयर वाज दिस वन वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी रिसेंटली कि एक स्टूडेंट था जिसने बीटेक किया हुआ था प्राइवेट कॉलेज से एक बट उससे कुछ हुआ नहीं उसने आउटकम नहीं मिला उसको उसके एंड पे कुछ और ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ वेटर at a restaurant for a very small amount like 10,000 rupees a month type ki salary pe aur uske sath mein unhone hamare program mein enroll kiya hua tha bahut mehnat ki 4-5 mahine tak hamesha wo consistent updates dete rehte the mujhe aur jab wo place hue Samsung mein abhi recently aur actually just an anecdote here ki jis din hum log NSDC ke sath partnership karne ke liye aaye the and jab hamara wo signing tha ye usi din place hua tha ye student and I got two great news on the same day बट और वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के एक महीने बाद जब वो ज्वाइन कर लिया था सैमसंग उसके बाद वो मिलने आए थे मुझसे तब उन्होंने अपना सैमसंग का आईडी कार्ड दिया और कहा कि अभी तक मैंने ये पहना नहीं है मैं ये पहली बार आपसे पहनूंगा तभी इसको रोज पहनूंगा और मतलब इट इज फॉर एन एंटरप्रेन्योर मतलब दीज आर थिंग्स विच मोटिवेट नॉट जस्ट मी बट द एंटायर टीम अ लॉट राइट बिकॉज हम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं इन दी एंड इट शुड इफ इट इज हैविंग दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट ऑन वन पर्सन लाइफ एंड वी कैन स्केल इट टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो हमें रियलाइज होता है और एंटिसिपेट कर पाते हैं कि एक्चुअली ऑल दिस हार्ड वर्क विच वी आर पुटिंग इन इज कमिंग आउट विद अ with a strong impact being created for students also. Which is very, very commendable. I'm sure बहुत लोगों को उस तरह की जर्नी से प्रेरणा मिलेगी मेरा आखिरी सवाल है यश की जो हमारे लिसनर्स हैं अगर वो आपसे या आपकी टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहें टू ज्वाइन एक्यो जॉब्स या कोई और सिमिलर क्वेरीज के लिए तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं
बिल्कुल आई थिंक आई एम समवन जो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना और उनसे बातें करना, मिलना, उनके प्रॉब्लम समझना, उनको गाइड करना, उनका कोई क्वेश्चन है तो आंसर करना, राइट? सो पर्सनली इफ यू वुड वांट टू सॉर्ट ऑफ रीच आउट टू मी, यू कैन सर्च माय नेम यशवर्धन ऑन लिंक्डइन एंड रीच आउट टू मी. अदरवाइज आप एक्टिव जॉब को रीच आउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके activejob.com पे. अगर आप activejob.com पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों मिल जाएगा. आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट आई कैन स्टेट द नंबर, इट इज 8595563221. यू कैन रीच आउट टू अस ऑन कॉल ऑल्सो एंड वील बी लाइक मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारा कुछ समझ सकते हैं, प्रोग्राम इन डिटेल साइन अप कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और एक पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि एक्टिव जॉब आपकी कैसे मदद कर सकता है इफ यू आर लुकिंग टू गो इन टू द IT सेक्टर एंड स्टार्ट योर करियर देयर. वंडरफुल. एंड मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे YouTube बायो में भी एक्टिव जॉब्स की वेबसाइट की लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं. So thank you very much, Yash, once again for joining us today, and more power to you and AccuJobs. Thank you so much for having me. Pleasure.